ये सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर में प्लाज्मा डोनेट करने वाले अहबाब हैं। ये सब लोग अपना प्लाज्मा देने के लिए आए हुए हैं। सब लोग सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर में प्लाज्मा देने के लिए ये सब क्यू में लगे हुए हैं, सब लाइन में हैं। ये सब प्लाज्मा देने के लिए आए हैं सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर से। ये सब लोग प्लाज्मा देने के लिए लाइन में लगे हुए हैं माशाल्लाह। ये सब लोग तबलीगी जमात निज़ामुद्दीन मरकज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। हज़रत मौलाना साद साहब के कहने पर सब लोग ब्लड दे रहे हैं। हज़रत मौलाना साद साहब के कहने पर सब ने मुल्क में ब्लड देने के लिए अपना लाइन लगाई है माशाल्लाह। ये सारे वो लोग हैं जो निज़ामुद्दीन से तबलीगी जमात के लोग हैं। आज ये सब मुल्क के लिए, हिंदुस्तान के लिए अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आए हैं माशाल्लाह। ये सारे लोग ब्लड, ये तकरीबन यहाँ पर 60 के करीब लोग खड़े हैं। ये सब अपना ब्लड देने के लिए आए हैं, ये सब प्लाज्मा देने के लिए आए हैं। अल्लाह इन लोगों की मदद फरमाए, कबूल फरमाए। ये बड़ी तादाद में लोग क्यों लगा के खड़े हैं, ये सब निज़ामुद्दीन के लोग हैं, तबलीगी जमात के लोग हैं, तबलीगी जमात के लोग निज़ामुद्दीन के। हज़रत मौलाना साहब के कहने पर ये सब लोग अपना प्लाज्मा देने के लिए आए हैं। ये सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर के अंदर ये सारे मुसलमान लोग और तबलीगी जमात के लोग आज मुल्क हिंदुस्तान के लिए अपना कतरा कतरा खून देने के लिए तैयार हैं। प्लाज्मा और खून जो चाहिए सब देने को तैयार हैं, यहाँ तक कि जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं अपनी मुल्क के लिए। ये वफादार कौम, मुसलमान कौम बता देना चाहती है कि हम मुल्क के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मुल्क के लिए अपना खून तो क्या, अपनी जान भी गंवा सकते हैं। ये सब लोग प्लाज्मा देने के लिए आए हैं और सब लोग निज़ामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद के लोग हैं।